गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उससे पहले सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने लगभग पूरे कर लिए थे। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे थे जो मैंने आपको दिए थे कि आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, और प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज करके बताते, कैसे भी बताते जिससे आप ठीक समझे वैसे। लेकिन अभी तक शायद किसी का रिप्लाई आया नहीं है, किसी ने मैसेज किया नहीं है, एक मुश्किल से एक या दो लोगों ने। शायद बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, फिर भी कोशिश करना, और पे प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बता देना। थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पढ़ लिया था। एक बार फिर से देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। डेफिनेशन हमने बनाई थी पोटेंशियल डिफरेंस की, पहले डेफिनेशन हमने बनाई थी पोटेंशियल डिफरेंस की, और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन का यूज करके हमने नेक्स्ट डेफिनेशन बनाई थी पोटेंशियल। और इसके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि डायमेंशन इसकी कोशिश करना, डायमेंशन निकालने की, नहीं निकाली हो तो एक बार यहाँ पर देख लेना डायमेंशन कैसे निकालते हैं वापस से। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, हमने लिखा था वी, जिन दो पॉइंट के बीच का निकालना, उन दोनों पॉइंट का नाम लिखेंगे, ठीक है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज, और इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या नाम दे दिया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क डन हुआ है। और ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है ए और बी, दोनों पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने लिखा था वी ए माइनस वी बी। इसको और भी बराबर लिखा था हमने डब्ल्यू बी ए लिखा था, डब्ल्यू बी अपन क्यू नॉट, और डब्ल्यू बी ए को हमने कन्वर्ट कर दिया था माइनस डब्ल्यू ए बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन का फर्क है दोनों में, बाकी वर्क डन मैग्नीट्यूड में सेम मिलेंगे। ये हमारा आया था वी ए माइनस वी बी। इसके बाद हमने एक पॉइंट को हमने कहाँ रखा था, इन्फानेट पे, और दूसरा पॉइंट अभी भी कहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और यहाँ से जो हमको क्वांटिटी मिली थी उसको हमने नाम दे दिया था पोटेंशियल। दोनों की यूनिट एक जैसी थी, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट थी, वोल्ट। एक और यूनिट यहाँ से बनती है जूल पर कूलम, वोल्ट या जूल पर कूलम, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, एक यूनिट क्या बनेगी, जूल पर कूलम। अब यहाँ से इसकी डायमेंशन बनाओ, डायमेंशन क्या बनेगी, अगर डायमेंशन बनाओगे तो पहले तो आपको जूल कितना होता है, जूल किसकी यूनिट है, वर्क डन की, वर्क डन कितना होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, मीटर में, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन को अगर लिखोगे तो एफ इक्वल टू कितना होता है, एम ए, एम ए की न्यूटन को क्या लिख सकते, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रखो डायमेंशन, जूल पर कूलम के अंदर किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर इंटू कूलम को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला पढ़ा था आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आई क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, कितना जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड का कितना आ जाएगा, क्यूब, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड क्यूब, और एम्पियर की पावर कितनी, वन, डायमेंशन हो जाएगी किलोग्राम, एम वन एम टू कितना आ जाएगा, एल पर टू टी माइनस का थ्री डिवाइड में इसके माइनस थ्री और ए वन, ये इसकी डायमेंशन कंप्लीट। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, जो डिफरेंस है उसको एक बार फिर से देख लो क्योंकि उसमें आगे जो हम पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इससे पहले हमने आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आर डिस्टेंस पर, के क्यू अपन आर स्क्वायर, उसी तरह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला था के क्यू अपन आर, और इसी पोटेंशियल के फॉर्मूले को हमको डिराइव करना है। लेकिन उससे पहले पोटेंशियल का डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम यूज करेंगे, लेकिन उस रिलेशन के अंदर वैल्यू कैसे रखते वो एक बार देख लो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, इस पॉइंट का मैंने नाम रखा है ए, इस पॉइंट का नाम रखा है बी, और हमें बी पॉइंट पर किसी चार्ज को रखा है, मान लो वो चार्ज कितना है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट चार्ज को बी से कहां लेकर जाना है, ए की तरफ, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी लिखोगे या वी बी माइनस वी ए लिखोगे।
पहली बात तो ये लिखने आना चाहिए a माइनस बी करें b बी माइनस बी ए करें। तो अब देखो मान लो हम लिखते हैं बी ए माइनस बी बी, हमने लिखा बी ए माइनस बी बी, एक साइड वाला कंसेप्ट देखकर चलते पहले, क्यू नॉट चार्ज था बी पॉइंट पे रखा था और इस बी पॉइंट पे जो क्यू नॉट चार्ज को रखा है बी पॉइंट से कहां लेकर जाना है ए पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट पे जाना है उसको हमने पहले लिखा बी ए, कहां से जा रहे बी से, तो बी टू ए, तो बी ए माइनस बी बी, इंटीग्रेशन यहां लिखेंगे e डॉट dl या dr कुछ भी लिख सकते हो, अगर डिस्टेंस आर ले रहे तो dr आ जाएगा, अगर l में यूज करें तो dl आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन e डॉट dr, यहां लिखा v a माइनस v b, मतलब यहां पर b टू a जा रहे हैं हम, तो जहां जाना है उस पॉइंट का नाम पहले लिखा है, किसका नाम पहले लिखा है a का, b टू a, तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे v a माइनस v b, जिस पॉइंट पे जाना है उसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले, कहां से जा रहा है b टू a, v a माइनस बी बी, यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ जहाँ जिस पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया है कहाँ से शुरू किया, बी से, तो बी टू ए, ये एक रिलेशन आता है। इसी तरह से और दूसरे भी रिलेशन अपन बना सकते हैं, मान लो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में अपन देखते हैं, ये क्यू नॉट मैंने लिख दिया, ये देखना जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो अपन डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर ये पॉइंट लिखने आने चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, इनफाइनाइट नेचर लिख दोगे, आर डिस्टेंस ऊपर लिख दोगे और फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस में भी आ सकता है, इसीलिए इसको देखना जरूरी है। मान लो बी टू ए आप ले रहे हो, सर बी टू ए तो ले लिया है, ए टू बी ले लो, ए टू बी पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, ए टू बी आप जा रहे हो तो जिस पॉइंट पे जाना है उसको पहले लिखना है, ठीक है, तो किस पॉइंट पे पहले जा रहे हो आप, ऐसे किस पॉइंट तक जाना, बी पॉइंट तक जाना, तो बी बी कहां से गए हो, वी ए, यहां क्या देगा वी बी माइनस वी ए, ऐसे किस पॉइंट पे जाना बी, तो बी का नाम पहले आया वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी ए, पोटेंशियल ऑफ वी बी कितना है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी बी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी ए, तो ये देगा वी ए माइनस वी बी, दोनों के पॉइंट के पोटेंशियल, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल जितना उसका डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन e डॉट dr लगाओ, लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, a टू b या b टू a, तो कहां किस पॉइंट से शुरू कर रहे हो, a से चलना शुरू कर रहे हो, a से कहां जाना है b पॉइंट पे, तो इसको लगाओगे a टू b, ठीक है, फिर भी याद नहीं रहे तो ध्यान रखना यहां पर a भी पहले है, यहां पर b आ रहा है, यहां पर b आ रहा है, यहां पर a भी आ रहा है, उल्टा चल रहा, सेम ही चलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का डेरिवेशन, सॉरी डेरिवेशन जो अपना है, कौन सा डेरिवेशन था, पोटेंशियल, पोटेंशियल कितने के डिस्टेंस पे निकालना, आर डिस्टेंस पे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एक एक चल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर भी ऐसे चलेंगे, फिर कुछ अलग देखेंगे पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेयर जैसे अपन देखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू शेल वाला है वो देखेंगे, फिर उसमें ग्राफ बनाएंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन डेरिवेशन इसका पढ़ना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक सिंगल चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at distance r due to point charge, देखो एक चार्ज ले लेना, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाना है, पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया क्यू और ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अपने चारों तरफ, और हमें इस क्यू से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया वो पॉइंट क्या है P, ये r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, सॉरी पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, तो करते हैं पोटेंशियल का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन क्या पड़ती, पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिट टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ले ली, ये ले ली इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस से पी पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आना है,
और पी पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो हमें इस आर डिस्टेंस तक का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अपन यूजिंग यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमको पता है, डायरेक्ट अप्लाई करो, आपको आपको लिखने की जरूरत है VA माइनस VB वगैरह। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, इन्फानेट से कहां तक ले जाना है, पी पॉइंट तक। फिर से देखेगा इसको अगर समझ में आया तो इन्फानेट से कहां लेकर जाना, पी पॉइंट तक। तो पहले मैं यहां लिखूंगा V, जिस पॉइंट पे जाना है उसका पोटेंशियल पहले VP माइनस V इन्फानेट, ये लिख दिया इन्फानेट से पी पॉइंट तक। तो VP माइनस V इन्फानेट माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। फिर कहां से जाना है, इन्फानेट से कहां तक जाना है, पी पॉइंट तक। तो इन्फानेट टू पी, बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा वी पी इन्फानेट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जीरो होते हैं, तो इन्फानेट पे ये कितना हो जाएगा जीरो, वी पी बचेगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फानेट टू पी। ई की वैल्यू इक्वल टू के क्यू ओपन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो के क्यू ओपन आर स्क्वायर डॉट डी आर। अब इसको सॉल्व करो, वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर इन्फानेट टू पी। यहाँ पी नहीं लिखो तो डायरेक्ट डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फानेट डिस्टेंस ले रखा है। यहाँ पी की जगह पी के पी जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस से, कितने आर कर देना पी टू आर, ठीक है आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फानेट टू पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस तक लेकर जाना है, तो हमें इन्फानेट से आर डिस्टेंस तक लेकर जाना है, इन्फानेट टू आर, इन्फानेट टू आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, पावर में जो है एक्स की पावर एन है, पावर में एक ऐड कर देना डिवाइड में एन प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ इस तरह से माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फानेट टू आर वन अपन आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ आर की पावर माइनस टू डॉट डी आर। अब एन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस दो, उसमें एक जोड़ दो, तो वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे आर की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड में आर की पावर माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा इन्फानेट टू आर। तो ये कितना आ जाएगा, वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस के क्यू आर की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस वन और माइनस वन, तो माइनस वन ओपन आर लिख सकता हूँ, आर की पावर माइनस वन आया था यहाँ पर, माइनस टू प्लस वन आर की पावर माइनस वन, आर की पावर माइनस वन को वन ओपन आर और माइनस टू प्लस वन इसका माइनस वन, ये माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ लिमिट लगा रखी इन्फानेट टू आर। तो पहले आर की वैल्यू रखेंगे फिर माइनस इन्फानेट, तो वी पी इक्वल टू के क्यू वन अपन आर माइनस वन अपन इन्फानेट, तो वी पी इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू अपन आर। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, पोटेंशियल कितना हुआ आर डिस्टेंस पर, तो ये हो गया के क्यू अपन आर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नया अपना टॉपिक जिसके अंदर हमको कैलकुलेट करना है फिर से वही सेम पोटेंशियल, लेकिन इस बार कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्यू टू, पहले हमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और हमको दे रखा है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस है। हमने मान लिया हमको कितने चार्ज दे रखे, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री कहाँ तक चलते जा रहे हैं, क्यू एन, क्यू वन क्यू टू डैश 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 डॉट 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 क्यू एन तक चार्जेस हैं, और ये सारे चार्जेस कितने डिस्टेंस पर हैं, आर वन आर टू डॉट आर एन, आर वन आर टू आर थ्री आर एन, इस तरह से चलते जाएंगे। और ये डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम बीच में कौन सा पॉइंट, पी, फ्रॉम पॉइंट पी। हमने देखा था कि ये जो पोटेंशियल है किस टाइप की क्वान्टिटी है, तो स्केलर क्वान्टिटी। ऐसा कैसा डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके अंदर हमने लिखा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखा एलजेब्रिक सम। उस जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तब हमने यहाँ पर लिखा था वेक्टर सम, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी थी, और यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए नेट पोटेंशियल रिजल्टेंट पोटेंशियल हमको निकालना है तो किसके सम के बराबर होता है, एलजेब्रिक सम के बराबर होगा पोटेंशियल ड्यू टू ईच चार्जेस, मतलब एक अकेला चार्ज पी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल बना रहा है उन सारे पोटेंशियल को जोड़ते जाओ, क्यू वन पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना रहा है, क्यू टू पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना रहा है, क्यू थ्री पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल बना रहा है, कहां तक चल रहा है, क्यू एन, तो वहां तक के जितने पोटेंशियल बन रहे हैं सारे पोटेंशियल को जोड़ दो तो अपना नेट पोटेंशियल रिजल्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा। देखो यहाँ पर रिजल्टेंट पोटेंशियल रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इतना हो जाएगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल वी नाम दे दो, वी इक्वल टू वी वन पोटेंशियल डी टू क्यू वन, वी टू पोटेंशियल डी टू क्यू टू, वी थ्री पोटेंशियल डी टू क्यू थ्री, वी एन पोटेंशियल डी टू क्यू एन। अब इन सब का फॉर्मूला हमको पता है, पहले हमने पढ़ लिया है, इससे पहले पोटेंशियल डी टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, वी वन के क्यू वन अपॉन आर वन, वी टू के क्यू टू अपॉन आर टू, वी थ्री चलता जाएगा इस तरह से, तब तक चलेगा वी एन, टोटल कितने चार्जेस है, क्यू एन आर एन, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन आ रहे हैं अंदर क्या बचेगा, क्यू वन क्यू टू आर टू क्यू एन आर एन, यहाँ तक हो गया। अब सबका ऐड करना है, ऐड करने के लिए सिंबल हम क्या लेते हैं, पहले से हमने कर रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किया था, क्या बाहर आ जाएगा, सिंबल क्या लग जाएगा, सिग्मा, क्या को अंदर रखना चाहो तो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ओपन आर वन, क्यू वन ओपन आर वन, क्यू टू ओपन आर टू, क्यू एन ओपन आर वन, तो क्यू ओपन आर सब में कॉमन चल रहा है, और यहाँ पर हम लिख देंगे इनिशियलाइजेशन आई, इनिशियलाइजेशन आई, और यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है, आई की वैल्यू वन से शुरू करनी है, कहाँ तक चलानी है, आई इक्वल टू एन तक चलानी है, ये आ गया अपना पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, नोट कर लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल के कारण हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमको डायपोल बनाना पड़ेगा, कि हमने एक डायपोल बना दिया, डायपोल में सबसे पहले चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, डायपोल का सेंटर पॉइंट क्या होता है ओ, हमने डायपोल का नाम रखा है ए बी, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज में लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्जेस जो है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2L, तो डिस्टेंस इज 2L, कैलकुलेट क्या करना है पोटेंशियल। इससे पहले जो हमने देखा था ऐसा कि एक डेरिवेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, उसमें दो डेरिवेशन देखे थे ड्यू टू एक्सियल लाइन, एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन, दोनों लाइन हमने देखी थी, यहाँ पर एक्सियल इक्विटोरियल लाइन पे कैलकुलेट नहीं किया रखा है, यहाँ पर हमने लिखा है एक जनरल पॉइंट ले रखा है, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट है और पी पॉइंट जनरल पोजिशन पे, जनरल पोजिशन का मतलब ना तो ये वाली एक्सियल लाइन अपनी, यहाँ से अगर मैं लाइन बनाऊँ ये लाइन कौन सी होती है एक्सियल, और ये 90 डिग्री वाली इक्विटोरियल, तो ना तो पी पॉइंट एक्सियल पे है ना ही इक्विटोरियल लाइन पर है, और हमने लिखा हुआ है कि यह एंगल कितना बना रहा है थीटा, किसके साथ एक्सिस के साथ, ये रहा थीटा एंगल, ये लाइन ओपी और ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, डिस्टेंस हमको दे रखी है r, और ये r डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं डायपोल के सेंटर से, डायपोल का सेंटर कितना है ओ, यहां सेंटर से ये डिस्टेंस हमको दे रखी है r, और ये हो गया पॉइंट p।
इसके अलावा हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं है। ये 2L, ये एंगल थीटा और ये r डिस्टेंस। अब यहां पर देखो, हमने मान लिया लेट s p डिस्टेंस को हमने मान लिया r1 और दूसरी कौन सी डिस्टेंस है b से p, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r2। ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, हमने खाली मान लिया कि मान लिया ये कितनी डिस्टेंस है r1 और इसको कितना मान लिया r2। r डिस्टेंस हमारे पास है ऑलरेडी गिवन है, r डिस्टेंस गिवन है और डायपोल के बीच की डिस्टेंस ठीक है माइनस की और प्लस की चार्जेस के बीच की 2l वो गिवन है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो ओपी लाइन है उसको थोड़ा आगे बढ़ा, ये ओपी लाइन को मैंने यहाँ पीछे की तरफ आगे बढ़ाया, ये ओपी लाइन को मैंने इसको आगे बढ़ाया क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस, r1 और r2। फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस क्यू चार्ज पी पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज भी पी पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा, कितना बनाएगा k q ओपन r। अब ये r डिस्टेंस तो चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ी बहुत यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं डायग्राम के अंदर। ये लाइन मैंने आगे बढ़ाई और ऐसे ये रहा अपना पॉइंट ए और बी, इन दोनों पॉइंट से ये जो अपनी पूरी लाइन है ओपी, उस लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर ड्रॉ कर दिया, बी से बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये 90, उसको नाम दे दिया एम और इसको नाम दे दिया एन, एम और एन। क्या किया, इस ओ लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, ओ पॉइंट की लाइन जो थी पी से ओ, इसको मैंने आगे बढ़ाया और ए और बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर मिलते हैं, एन और एम पॉइंट पर मिलते हैं। अब ये एंगल थीटा है, तीन एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये हमको पता है। ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं और ये दिख रहा है आपको एक सिंगल लाइन एक क्रॉस लाइन, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना देगा थीटा। अब कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले माइनस क्यू वाला जो चार्ज है वो पी पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा, प्लस क्यू वाला भी पी पॉइंट पे पोटेंशियल बनाएगा, पी पॉइंट पे कितने पोटेंशियल बने दो, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा एलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसको मैंने नाम दे दिया V1, कितना हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज है। अब यहाँ डायरेक्शन नहीं बनाते, अपन डायरेक्शन नहीं बनाते, ध्यान रखना अगर प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, तो V1 कितना देगा माइनस के क्यू अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बनाते थे इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखते थे, प्लस का क्यों है तो भी यहाँ प्लस रहता था, माइनस क्यों तो भी यहाँ पर माइनस रहता था, लेकिन ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल के केस में जाने का डायरेक्शन नहीं बनाते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस क्यों चार्ज बना रहा है तो आंसर प्लस में रहेगा, माइनस क्यों चार्ज बना रहा है तो आंसर अपना माइनस में आएगा। फिर से सेम लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यों चार्ज और इसको नाम दे दिया V2, कितना जगह प्लस के क्यू अपॉन आर, तो ये ऐसे लिखा है समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है, ये पॉजिटिव टर्म है ठीक है। दो पोटेंशियल बन रहे, नेट पोटेंशियल कितना होगा या रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा V1 + V2, इसको नाम दे दो V, एट पॉइंट पी रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी V = V1 + V2, दोनों को सम करना है तो V = कितना आ जाएगा, नॉर्मली ऐड करना है तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2, इक्वेशन नंबर थर्ड। के क्यू कॉमन आ रहा है इसको इस बार और उसको सॉल्व कर दो, के क्यू कॉमन आ रहा है इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर दो, फिर इक्वेशन थर्ड नाम लिखना, के क्यू कॉमन आ रहा है के क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस वन अपन R1 प्लस वन अपन R2 और एलसीएम लिया क्या आएगा R1 R2, ये आया, ये R1 नीचे माइनस का है माइनस R1, तो ऊपर माइनस कौन सा हो जाएगा R2, तो यहाँ आ जाएगा R1 - R2, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, R1 R2 एलसीएम ले लिया, R1 से R1 कैंसिल, ऊपर क्या जाएगा R2 माइनस का, R2 से R2 कैंसिल, R1 का मल्टीप्लाई होगा वो प्लस का, R1 माइनस
आर टू इक्वेशन नंबर थर्ड। अब न तो हमारे पास आर वन है न ही आर टू है, इसलिए इस डायग्राम को हमने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया था और इस तरह से बनाया। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे आर वन और आर टू का, तो हम लिखेंगे यूजिंग डायग्राम अब देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत सी कैलकुलेशन अपन करते हैं। हमने मान लिया ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया है यहाँ से कि ए से पी डिस्टेंस हमको चाहिए कितनी आर वन, और ट्राइंगल में हमने मान लिया कि ये ए पी लगभग किसके बराबर हो जाएगी पी एन के, ठीक है। ये पूरा जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने मान लिया, और ये डिस्टेंस छोटी है, अगर ट्राइंगल में डिस्टेंस बहुत छोटी है, ये वाली डिस्टेंस अगर बहुत छोटी है तो लगभग ये दोनों साइड को क्या मान सकते हैं बराबर, लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाएगी अगर ये वाली साइड इसकी बहुत छोटी है, और एकदम जीरो कर दें तो दोनों एकदम से बराबर हो जाएगी। तो हमने मान लिया यहाँ से इस ट्राइंगल के अंदर ए पी एन के अंदर एन बहुत छोटा है, बी पी एम के अंदर बी एन बहुत छोटा है, तो हम मैं लिख सकता हूँ कि ए पी एन पी के बराबर होगा। चलिए आप देखो वापस से इसको, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल दी थी, डायग्राम के अंदर अपन देख रहे थे कि हमें आर वन और आर टू निकालना है, तो हमने देखा था कि यहाँ से ए से पी की जो वैल्यू होगी ए पी मतलब आर वन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एन पी के बराबर हो जाएगा, लगभग अगर हमें एन पी डिस्टेंस मिल जाती है तो वो आर वन के बराबर हो जाएगा। यूजिंग डायग्राम इन ट्राइंगल कौन सा है ए पी एन एंड ट्राइंगल एम बी पी। अब इस ट्राइंगल के अंदर ए पी किसके बराबर हो जाएगा, ए पी लगभग बराबर होगा या बराबर होगा इसके एन पी के, और क्या दे रखा है और निकालना है हमको पी बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा एम पी के। अब इसके अंदर देखो हमें डिस्टेंस चाहिए एन पी, तो एन पी को मैं क्या लिख सकता हूँ ओ पी ओ से पी प्लस ओ एन ओ पी प्लस ओ एन। अगर मुझे ओ से पी डिस्टेंस ऑलरेडी है हमारे पास आर, ओ एन मिल जाए तो ये पूरी मिल जाएगी एन पी के बराबर। इसी तरह से ये चाहिए मुझे एम पी चाहिए, तो एम पी को मैं लिख सकता हूँ ओ पी माइनस ओ पी ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी में से ओ एन को मैं घटा दूँ, ओ पी में से ओ एन को माइनस कर दे तो एम पी मिल जाएगा, और एम पी चाहिए तो ओ पी में ओ से पी ओ पी में ओ एन जोड़ दे, तो यहाँ पर हमको ओ एन और ओ एम चाहिए, ओ से एन डिस्टेंस और ओ से एम डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो ओ ए कितना है एल, ओ बी कितना होगा एल, क्योंकि ए से बी तक की डिस्टेंस हमने कितनी ले रखी है टू एल, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है टू एल, तो ओ से ओ सेंटर पॉइंट है डायपोल का, तो ओ से ए एल डिस्टेंस, ओ से बी एल डिस्टेंस, ये एल है, ये एंगल थीटा कंपोनेंट बनाना आता है, तो यहाँ पर बताओ एल का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये एल है ये कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा, उसी तरह से ये एल है ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा ये भी एल कॉस थीटा। तो डायग्राम यहाँ पे यूजिंग डायग्राम लिख लिया है, डायग्राम ठीक है ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पर एन ओ एन इक्वल टू ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ओ एम इक्वल टू ये भी हो जाएगा एल कॉस थीटा, या ट्राइंगल का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। कॉस थीटा का रेशियो आपको पता है, ये ट्राइंगल ये 90 डिग्री एंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है ये 90 डिग्री एंगल, ये एंगल 90 ये भी कितना जाएगा 90 ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल ओ एन बी और ट्राइंगल ओ एन ए यहाँ लिखते हो ना, यूजिंग ट्राइंगल लिखना चाहो तो ए ओ एन एंड ए ओ एन एंड बी ओ एन एंड ट्राइंगल बी ओ एन कॉस थीटा तो आता होगा रेशो, कॉस थीटा का रेशो पता है कितना होता है, तो यहाँ से कॉस थीटा का रेशो निकाल दो,
तो ये हो जाएगा यहाँ से ओ एन अपन एल और यहाँ से कोस्टा ओ एन अपन एल, तो ओ एन और ओ एन कितना जाएगा एल कोस्टा एल कोस्टा। और डायरेक्ट अगर लिखना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ओ एन और ओ एम की वैल्यू मिल गई तो आर वन और आर टू कितना आ जाएगा, सिंस आर वन, आर वन मतलब कौन सी डिस्टेंस है एल से पी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एन पी के बराबर, और एन पी किसके बराबर है ओ पी, ओ पी डिस्टेंस कितनी है आर प्लस ओ एन, ओ एन कितना है एल कॉस थीटा। उसी तरह से आर टू, आर टू को मैं किसके बराबर लिख रहा हूँ एम पी, एम पी कितना था ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी कितना है आर माइनस ओ एन कितना है एल कॉस थीटा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर चार, इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर चार होगी। अब इसको सॉल्व करूं यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आंसर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर तीन और इक्वेशन नंबर चार को यूज करूं यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन नंबर तीन और इक्वेशन नंबर चार, यहां से वैल्यू उठाकर आपको तीन में रखनी है, किसकी वैल्यू आर वन और आर टू की, तो किसका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल का वी, कितना होगा के क्यू, रुको यहाँ पर आर वन माइनस आर टू, आर वन कितना है आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, तो बाहर माइनस है तो ये आर माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का आर यहाँ पर आ जाएगा प्लस एल कॉस थीटा, डिवाइड में कितना आ जाएगा आर वन इंटू आर टू मतलब आर प्लस एल कॉस थीटा आर माइनस एल कॉस थीटा, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह हुआ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, आर वन डॉट आर टू थी आर क्या ए, इस पूरे को मैं भी मान लो थी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ये ए और इस पूरे को भी मान लो थी, इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट ए क्या है आर, आर का स्क्वायर माइनस बी क्या एल कॉस थीटा, तो माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, यहाँ आर से आर कैंसिल, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा वी इक्वल टू के क्यू एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा टू एल कॉस थीटा, टू के क्यू एल कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर है। लेकिन इस फॉर्मूले को और छोटा अपन बनाते हैं, देखो किस तरह से बनाएंगे, ये फाइनल आंसर है लेकिन इसको और शॉर्ट बनाएंगे फॉर्मूले को, यहाँ पर देखेंगे तुलना करते हैं अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की तुलना करो, आर स्क्वायर की एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से तुलना करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी है इसके रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में, सिंस आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत बड़ा है तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एल स्क्वायर के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में वो भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा v इक्वल टू टू के क्यू एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला और शॉर्ट हो गया, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने नेग्लेक्ट कर दिया पूरा पूरा, क्या बचा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो q इंटू टू एल को क्या लिख सकता हूँ p इक्वल टू q इंटू टू एल, q into 2l को किसके बराबर लिख सकता हूँ p के बराबर, डायपोल मोमेंट q into 2l equal to p, यहाँ से v equal to k q into 2l, तो ये रहा q into 2l, तो p cos theta upon r square, formula और शूट हो गया k p cos theta upon r square, अगर ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट अलग अलग पोजीशन पे आपको मिलता है तो ये थीटा भी बदलेगा, अभी ये एंगल थीटा ये रहा, अगर इस P पॉइंट को ये अपना P पॉइंट अगर इसको उठाकर मैं यहाँ ले आऊँ ये मतलब ये कौन सी लाइन है एक्सिस लाइन, तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा जीरो डिग्री का, अगर इस P पॉइंट को मैं यहाँ पर ले लूँ परपेंडिकुलर तो ये थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब ये कौन सा लाइन होगा एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन का, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन का, जब हम कैसे करेंगे
नंबर एक फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर सबसे पहले अपन ले लेते हैं एट एक्सियल लाइन। अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पे आ जाता है तो एंगल थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा? जीरो डिग्री का हो जाएगा। जीरो डिग्री का हो जाएगा, पोटेंशियल कितना मिलेगा? वी इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आया अपना आंसर। उसी तरह से नंबर टू एट इक्विटोरियल लाइन। अगर इक्विटोरियल लाइन है तो पी पॉइंट इक्विटोरियल लाइन पे चला जाएगा। तो पी पॉइंट जैसे इक्विटोरियल लाइन पे चला जाएगा तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल होते हैं हमको यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा? वी इक्वल टू जीरो। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, बहुत सी बार ये ऑप्शन में दे देता है कि कैलकुलेट पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस व्हेन पॉइंट पी इज एट इक्विटोरियल लाइन। तो 90 डिग्री एंगल होने पर पोटेंशियल जीरो ही आता है। एक्सेल का पूछता है, एक्सेल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर। और कोई जनरल पॉइंट देता है आपको जिसमें एंगल थीटा 0 से 90 के बीच में दे रखा हुआ हो, 60 डिग्री 45 डिग्री, तब आपका फॉर्मूला आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपना टॉपिक खत्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इसको अच्छा से उतार लें।